हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान मिस कैरेज की जो दर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। कुछ मामलों में एक ट्विंस का मिस कैरेज भी हो सकता है। इसे बेनेसिंग ट्विंस सिंड्रोम कहा जाता है। और ट्विंस बेबी होने पर यूट्रस के अंदर उनके डेवलपमेंट में गड़बड़ी का भी खतरा हो सकता है। और ऐसा तब होता है जब एक ट्विंस दूसरे ट्विंस की तुलना में बहुत ही स्लो डेवलप हो रहा होता है। और अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी मोनोकोरियोनिक ट्विंस प्रेगनेंसी है, जिसमें एक जैसे दिखने वाले ट्विंस होते हैं और इसमें जो ट्विंस का प्लासेंटा होता है वो भी एक ही रहता है, तो ऐसे में ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। इसका मतलब होता है कि एक बेबी दूसरे बेबी की तुलना में प्लासेंटा से अपने हिस्से में ब्लड फ्लो अधिक ले लेता है। और ऐसा मोनोकोरियोनिक ट्विंस प्रेगनेंसी में 10% होने के चांस रहते हैं। और ऐसी स्थिति होने पर अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये एक गंभीर रूप ले लेती है, जिससे आपके शिशु के दिल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है एंड इसके अलावा दोनों बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए अगर आपकी मोनोकोरियोनिक ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी है और टाइम टाइम पर चेकअप एंड टेस्ट बिल्कुल कराते रहना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं वो टाइम पर जन्म लेने के बाद भी उनका जो वजन होता है वो कम होने की संभावना अधिक होती है। और इसके अलावा ऐसे बच्चों को पीलिया होने की भी बहुत अधिक संभावना हो जाती है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ट्विंस प्रेगनेंसी में टाइम से पहले डिलीवरी होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो 20 या फिर 28 वीक के बाद ही जन्म ले लेते हैं। केवल 40% ट्विंस ऐसे होते हैं जो कि अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी को पूरे टाइम तक कम्प्लीट कर पाते हैं। और अगर हम एवरेज की बात करें तो सिंगल प्रेगनेंसी का जो एवरेज रहता है वो होता है 39 वीक्स तक, लेकिन ट्विंस प्रेगनेंसी का एक एवरेज जो होता है वो होता है कम से कम 35 वीक्स तक। जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं तो वो कई सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि जो ट्विंस टाइम से पहले ही जन्म ले लेते हैं तो उनके जो फेफड़े होते हैं वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से ऐसे बच्चों को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। और जन्म के बाद जब तक उनके फेफड़े मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक उनको वेंटिलेटर में भी रखा जा सकता है। और इसके अलावा ऐसे ट्विंस को पेट और आंतों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा मस्तिष्क में रक्त स्राव सहित तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, और जन्म के समय वजन का कम रहना, और बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होना। आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जिसके कारण जो ट्विंस 28 वीक्स के बाद पैदा होते हैं जिनमें से 90% ट्विंस जीवित रहते हैं, और जो ट्विंस प्रीमेच्योर पैदा होते हैं वो लंबे समय तक कॉम्प्लिकेशंस में रहते हैं। ब्रोंकोपुलमोनरी डिस्प्लेसिया बीपीडी एक ऐसी पुरानी फेफड़ों की स्थिति होती है जिसको जन्म के बाद कई वीक्स तक या फिर कई महीनों तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा जो नॉर्मली श्वसन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अस्थमा और श्वसन संक्रमण विकसित होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। इसके अलावा जन्म के बाद डेवलपमेंट होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और इसके अलावा ट्विंस में सीखने की अक्षमता और गंभीर मामलों में बौद्धिक अक्षमता जो कि बरसों तक स्पष्ट नहीं हो पाती है। और इसके अलावा मस्तिष्क पक्षपात एंड बहरापन और नजरों की भी समस्या हो सकती है। और इसके अलावा जो ट्विंस बहुत ज्यादा पहले पैदा होते हैं तो ऐसे में उनके माता पिता को बहुत लंबे समय तक या फिर कई महीनों तक या फिर कई हफ्तों तक अपने ट्विंस को NICU में भी देखना पड़ सकता है। और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी पैदा हुए हैं और उनको कब तक रहना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उनको खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पूरी प्रेगनेंसी अवेयर रहती हैं,
जागरूक रहती हैं तो इनको कम जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी खिलाई पिलाई एंड आपको अपनी रहने की एंड आपको उठने बैठने की हर पोजीशन पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप एक बात ध्यान रखें कि ट्विन्स प्रेगनेंसी होने पर चेकअप कराने में, डॉक्टर को दिखाने में एंड कोई भी टेस्ट कराने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, नहीं तो आपको एक लापरवाही आपको और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महंगी पढ़ सकती है। और मैं इसीलिए आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जाने और ट्विन्स प्रेगनेंसी को डिटेल में समझ पाए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।